हेलो एवरीवन आप सभी का स्वागत है इस पर्टिकुलर लेक्चर में जहाँ पे हम लोग बात करेंगे भारत के नए संसद के बारे में काफ़ी दिनों से ये न्यूज़ में चल रहा है एंड फाइनली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज़ इनाग्रेटेड द न्यू पार्लियामेंट तो आज के सेशन में बेसिकली हम लोग बात ही ये करेंगे कि पार्लियामेंट क्या है पार्लियामेंट का ऑरिजिन कहाँ से आया है कब से इंडिया के पास अपना एक खुद का पार्लियामेंट और इस नए पार्लियामेंट से इंडिया को क्या जरूरत पड़ गई दैट वी हैव टू क्रिएट दिस न्यू पार्लियामेंट तो इन सारे चीजों को हम लोग बात करेंगे और हाँ साथ ही साथ जो अपोजिशन का अटैक है ऑलरेडी नो दैट अपोजिशन इस पूरे इनाग्रेशन इवेंट को बॉयकआउट किया है तो आखिर क्यों किया क्या ग्रीव्यांसिस थे ऑपोजिशन पार्टी के और क्या पार्लियामेंट को बनाना जरूरत है जब आज हमारा एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट हैव नॉट बीन एबल टू वर्क प्रॉपरली तो इन सारे चीज़ों के पहलुओं को आज हम लोग समझेंगे फ्रॉम डिफरेंट पर्स्पेक्टिव अबाउट दिस एंटायर इशू होप दैट आपको ये सेशन काफी इंटरक्टिव और मजा आएगा ये देख सकते हैं आप हमारा यही है हमारा न्यू पार्लियामेंट और ये हमारा ओल्ड पार्लियामेंट न्यू पार्लियामेंट देख सकते हैं आप ट्रायंगुलर शेप का बनाया गया है और जो ओल्ड पार्लियामेंट है वो आपको सर्कुलर शेप का बनाया गया दिस इज दल्ड पार्लियामेंट एंड दिस इज द न्यू पार्लियामेंट और ये देख सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर का काफी अच्छा लग रहा है इट्स अ मैग्निफिशियंट स्ट्रक्चर विथ ऑल द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड ऑडियो कम्युनिकेशन डिवाइसिस सारा कुछ यहाँ पे आपका इंस्टॉल किया गया है ये देख सकते हैं हमारा सुंदर सा नया पार्लियामेंट जो कि जस्ट ओल्ड पार्लियामेंट के बगल में बनाया गया है और ये देख सकते हैं आप एक कल्चर जो उड़ीसा के बहुत ही फेमस कल्पर ने बनाया है बिकॉज ही हैज़ डेडिकेटेड दिस पार्लियामेंट टू द विजन ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और ये देख सकते हैं जो सेंगोल है ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था तो इन सारे चीज़ों को हम लोग आज अपने सेशन में बात करेंगे तो सबसे पहले बात आता है कि आखिरकार ये पार्लियामेंट की जरूरत क्या है बिकॉज ये पार्लियामेंट को बनाने का क्या जरूरत पड़ा या पार्लियामेंट का फर्स्ट बेसिस पे एग्जिस्टेंस ही क्या है तो आपको पता है कि किसी भी कंट्री में जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री होती है डेमोक्रेटिक कंट्री में लोग सॉवरिन होते हैं पीपल डिसाइड वॉट दे वॉन्ट पीपल शेप देयर डेस्टिनी दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी रियल फॉर्म में डायरेक्ट डेमोक्रेसी जहां पे लोग खुद से आके लॉ बनाते हैं और लॉ को इंप्लीमेंट करते हैं बट इन द करेंट टाइम्स वेर वी है कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट यहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल है नहीं बिकॉज बहुत बड़ा देश है बहुत ज्यादा डायवर्सिटी है और इन सारे लोगों को आकर लॉ बनाना इट्स अ वेरी डॉन्टिंग टास्क यहीं पर आता है हमारा सेकेंड फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जिसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जिसको हम लोग कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पीपल डू नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस प्रोसेसर पीपल इलेक्ट दे रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेट ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल और यही से आता है कॉन्सेप्ट ऑफ पार्लियामेंट जहाँ पे हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जिनको हम चुन के भेजते हैं वो हमारे बिहाफ पे हमारे वॉइस को हमारे एस्पिरेशंस को रखते हैं और उसके बाद सब लोग मिलकर देश के लिए लॉ बनाते हैं इसीलिए पार्लियामेंट का रेलिवेंस बहुत ज्यादा होता है बिकॉज अगर अभी आप देखें तो इंडिया हैज बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री रिप्रेजेंटिंग अराउंड करोड़ पॉपुलेशन और हमारे पास लोकसभा में मैक्सिमम फाइव फिफ्टी एम पीज हैं और राज्यसभा में टू फिफ्टी एम पी ये टोटल एम पी लगभग आठ सौ नौ सौ ये एक सौ चालीस करोड़ लोगों के आवाज को रखते हैं इसलिए पार्लियामेंट का होना पार्लियामेंट का अच्छे से काम करना पार्लियामेंट का अच्छे से डिबेट करके लॉ बनाना इट्स द साइन कॉन नॉन और द बेसिक प्रिक्विजिट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इट इसलिए किसी भी देश जो प्रोग्रेस करता है किसी भी देश जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ होता है किसी भी देश जिसमें लोगों की एस्पिरेशंस को सुना जाता है उस कंट्रीज में पार्लियामेंट काफी अच्छे से काम करता है अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को देखें जो कि लगभग सत्तर पचहत्तर साल से अपने हेजमेनी को बना के रखा है उसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है जो यू वहां की यूएस कांग्रेस है जो यूएस पार्लियामेंट है वो बहुत अच्छे से काम करता है इसीलिए पार्लियामेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और इसीलिए हम लोग पार्लियामेंट को कहते भी हैं टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी राइट इट बिकॉज विदाउट पार्लियामेंट नो कंट्री इन द करेंट टाइम्स वेरी वी हैव बिग नेशन स्टेट इट नॉट वर्क स्मूथली वी डोंट हैव एंड पार्लियामेंट इसीलिए पार्लियामेंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है किसी भी डेमोक्रेटिक इसके बाद बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर का मतलब लेजिस्लेचर आपको पता है स्टेट के तीन ऑर्गन होते हैं एक ऑर्गन होता है आपका जो जिसको लेजिस्लेचर कहते हैं जिसका काम होता है लॉ बनाना और वो इंडिया में पार्लियामेंट करती है सेकेंड आता है एग्जीक्यूटिव का जो लॉ जब एक बार पार्लियामेंट बना दिया उसको एग्जीक्यूट करता है उसको इंप्लीमेंट करता है और 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 वो होता होता कौन है? That is the council of minister, है है जिनको लीड करता प्राइम मिनिस्टर। का काम ये होता है कि और क्या ये दोनों स्टेट के ऑर्गन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं कर बट तो आज हमारा जो डिस्कशन है वो बेसिकली स्टेट के सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन फर्स्ट ऑर्गन दैट इज लेजिस्लेचर के बारे में बात करना है जो बॉडी जो लॉ बनाती है तो ये जो लेजिस्लेचर इंडिया में है ये जो इंडिया में लॉ मेकिंग प्रोसेस है ये जो इंडिया में आज हम लोग पार्लियामेंट देखते हैं जो लॉ बनाती है इन सब चीजों का इवोल्यूशन कैसे हुआ था उसको आज हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव से समझने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले आपको पता है जब ब्रिटिशर्स इंडिया पे कॉलोनाइज किए थे उस समय तो इंडियंस अपने लिए लॉ बनाते नहीं थे उस समय था आपका ईस्ट इंडिया कंपनी जिनको अंग्रेजों ने चार्टर दे रखा था कि आप जाए आप इंडिया के ऊपर रूल करें आप इंडिया को गवर्न करें तो जो पहले इंडिया के लिए लॉ बनाता था वो बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी था वहां पे कुछ चुनिंदे ऑफिसर्स थे जो इंडिया के बिहाफ पे लॉ बनाते ऑफिसर्स तो ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी द पावर टू मेक लॉस

बिकॉज पहले जो ये काउंसिल चेंस हुआ करते थे ये लॉ बनाते भी थे और लॉ एग्जीक्यूट भी करते थे लेकिन ये जो प्रिंसिपल है इट इज वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बिकॉज सेपरेशन ऑफ पावर के अंदर ये कहा जाता है कि द लॉ शुड बी मेड बाय ग्रुप ऑफ पीपल एंड द लॉ शुड बी एग्जीक्यूटेड बाई अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल उससे क्या होता है आपका चेक्स एंड बैलेंसेज होता है

तो पहला स्ट्रिप द द कंपनी ऑफ ट्रेडिंग राइट्स पे कंपनी का सब कुछ खत्म हो गया था द कंपनी मेड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव एंड लॉ मेकिंग फंक्शंस ऑफ द काउंसिल को अलग किया गया था एंड इट्स वन लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर ऑल ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया तो जब एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसको गवर्नर जनरल लीड क्या करते थे वहां से अलग किसको कर दिया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाया भी गया था व्हिच वाज हैड टू मेक लॉ फॉर द एंटायर ब्रिटिश इंडिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम तो 1833 लॉ में हम देख सकते हैं सबसे पहली बार कुछ सेंट्रल लेजिस्लेचर का कॉन्सेप्ट आया बिकॉज़ 1833 के पहले एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वर बोथ द सेम एंटिटी बट आफ्टर 1833 Following the principle of separation of power, which was a good development by the Britishers, the law, the the, legislature was separated from the executive, and hence it was set up one legislative council for the entire British territory of. उसके बाद अगर 1911 तक बात करें, तो 1911 क्यों बात करेंगे? ये हम लोग बात करते हैं। 1911 को क्यों हमने time frame सुना? Because <laughs> 1911 में एक बहुत बड़ा development हुआ। लेकिन अगर 1911 तक बात करें तो 1861 में एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव बॉडी को फाइनली कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है फर्स्ट फ्लोर ऑफ द गवर्नमेंट हाउस इन कैलकटा क्योंकि आपको पता है उस समय ब्रिटिश इंडिया का सीट कौन हुआ करता था हमारे पास कैलकाटा 1911 में कैलकटा से कहा शिफ्ट कर दिया गया था दिल्ली और उसके बाद ही दिल्ली में हमारा नया पार्लियामेंट बनाया जाता है। ठीक है तो 1911 के पहले ब्रिटिश इंडिया का जो कैपिटल हुआ करता था जो सीट ऑफ पावर हुआ करता था वो था आपका कैलकटा और कैलकटा में गवर्नमेंट हाउस था गवर्नमेंट हाउस का मतलब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनका घर तो जो कैलकटा में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का घर था उसी में आपका ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव बॉडी को भी बना दिया गया था ठीक है मतलब इनके पास कोई अपना एक सेपरेट बॉडी नहीं था तो, तो कैलकटा में लेकिन गर्मियों में क्या करेंगे तो इसके लिए उन्होंने एक नया काउंसिल चेंबर बनाया जो कि आपका शिमला में था बिकॉज इंडिया में आपको पता दैट वाज द समर कैपिटल ऑफ इंडिया तो ब्रिटिश कंस्ट्रक्टेड अनदर काउंसिल चेंबर इन द शिमला लेटिव काउंसिल मीटिंग गवर्नमेंट मूव टू दिल सिटी इन दावर तो अभी तक हम लोग क्या देख रहे हैं कि इंडिया के पास या चाहे उस समय ब्रिटिश इंडिया कह लो अपना खुद का पार्लियामेंट दैट इज द लॉ मेकिंग बॉडी यह अलग से नहीं था बिकॉज उस समय उस लेवल का सेपरेशन ऑफ पावर नहीं था जनरली लॉ वॉस कौन बना लेता था गवर्नर जनरल और उसके इलेक्टेड जो लोग रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे तो so, 1911 तक आपका इस तरीके से चल रहा था इंडिया डिड नॉट हैव हैव ब्रिटिश इंडिया डिड नॉट एनी इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटिव बॉडी और 1911 तक जो लेजिस्लेटिव बॉडी था जो गवर्नर जनरल के प्रमाइस के अंदर रह के काम करता था वो भी था कहां पे कलकत्ता पे फाइनली 1911 में जब आपका शिफ्ट ऑफ सीट होता है फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली गवर्नर जनरल बैठा करेंगे वो अब शिफ्ट करके हमारा दिल्ली को कर दिया गया तो था किसने किया था किंग जॉर्ज फाइव अगेन आप इसको मॉडर्न हिस्ट्री के परस्पेक्टिव से जोड़ना मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पता इस समय क्या हुआ था बंगाल को स्प्रिट करने की बात चल रही थी है ना ये सब आपको चल रहा था यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट भी इसके कॉन्टेक्ट में स्टार्ट हुआ था तो ये जाके आप मॉडर्न हिस्ट्री में रिवाइज करना कि 1911 के समय क्या चल रहा था तो 1911 में आपके पास ब्रिटिश इंडिया का जो कैपिटल जो कैलकटा में था वहां से शिफ्ट करके आप उसको दिल्ली में कर दिया गया अब जैसे ही दिल्ली में कर दिया गया तो वहां पे अगेन आपको एक लेजिस्लेटिव काउंसिल जो पहले से था हमारे पास सेंट्रल लेजिस्लेटिव बॉडी जो गवर्नर जनरल कैलकटा के घर में था अब इसको शिफ्ट करना पड़ेगा बात है, so जो में था now it was shifted to Delhi, लेकिन इसको टेम्पर बेसिस पे कहा सेटअप किया गया था गवर्नमेंट के सेक्रेटेरिएट के बिल्डिंग मतलब अगेन इसका कोई इंडिपेंडेंट जगह नहीं था जैसे आज इंडिया में लॉ कौन बनाता है पार्लियामेंट विच इज इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन

उसके तो लिए क्यों एक अलग से बॉडी बनाना एक अलग से क्यों बिल्डिंग बनाना इसलिए उनको जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग था वहीं पे उनको कुछ जगह दे दिया जाता था कि आप वहीं पे आके अपने लॉ को बनाए फाइनली फिर आपको 1913 में जो आज के हमारे चीफ आर्किटेक्ट हैं जो लुटियंस दिल्ली वाला एरिया जो सेंट्रल दिल्ली वाला एरिया जहां पे सारे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं आपके नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक एम्बेसीज राष्ट्रपति भवन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ये सारे चीज जो है उन सबका आर्किटेक्ट कौन है लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर तो जब आपकी राजधानी को कैलका से शिफ्ट करके दिल्ली कर दिया गया तो इन दोनों चीफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट को भेजा गया कि जाके अब आप दिल्ली को वापस से रीडेवलप करें तो लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर साइन ऑन द दर्किटेक्ट फॉर द न्यू कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली तो ये चले गए न्यू कैपिटल ब्रिटिश ने लैंड किया ब्रिटिश इंडिया में और यहां पर इनका जिम्मा था कि पूरे दिल्ली को आप रीडेवलप करो So, गवर्नर जनरल का हाउस था जिसको आज हम लोग राष्ट्रपति भवन कहते हैं प्रेसिडेंट्स हाउस और साथ ही साथ नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक जो कि सेक्रेटेरिएट है तो टू प्रिंसिपल ब्लॉक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेक्रेटेरियट्स एंड अटैच बिल्डिंग्स ये देखो आपके पास लुटियंस और हर, Ernst, ठीक है तो जैसे ही राजधानी आपकी शिफ्ट होती है कैलका से दिल्ली को दिल्ली को डेवलप करने का जरूरत पड़ेगा इसलिए दो आर्किटेक्ट को हायर किया गया जो ब्रिटिशर्स थे उनको भेजा गया कि आप जाके दिल्ली में जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है इसको आप बनाए तो इसका आर्किटेक्चर इन दोनों ने तैयार किया था और अभी भी देख सकते हो आप अभी तक कोई भी इंडिपेंडेंट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट की बात नहीं चल रही है अभी किसके बारे में बात राष्ट्रपति भवन जिसको गवर्नमेंट हाउस जहां पे गवर्नर जनरल उस समय रहा करते थे और साथ ही साथ दो जो सरकार के साथ रहेंगे वन इज़ इज़ द नॉर्थ एंड अदर और देखो गवर्नमेंट हाउस में क्या रहेगा जो राष्ट्रपति भवन है वहीं पर आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल चेंबर रहेगा मतलब अगेन जो कैलकाटा में था कि वहां का जो गवर्नमेंट हाउस इन था उसी के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल चेंबर बात किया काम किया करता था आज जब ये गवर्नमेंट जनरल गवर्नर जनरल का हाउस शिफ्ट होकर दिल्ली में आ गया है, जिसको हम लोग गवर्नमेंट हाउस कहते हैं उसी के अंदर रह के कौन काम करेगा लेजिस्लेटिव काउंसिल चेंबर और साथ ही साथ लाइब्रेरी होगा राइटिंग रूम होगा पब्लिक गैलरी होगा एंड कमिटी रूम होगा तो देखो इस तरीके का कुछ आर्किटेक्ट उस समय तैयार किया गया था जो कि आज हम लोग देख सकते हो राष्ट्रपति भवन की तरह देखते हैं So, मेरे कहने का मतलब यह है कि इंडिया में जो आज हम लोग पार्लियामेंट देखते हैं विच इज अंडिपेंडेंट लेजिस्लेचर बिल्डिंग जिसका एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है वो पहले नहीं था पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल जब से आपको 1833 में सेपरेशन ऑफ पावर हुआ एग्जेक्यूटिव और लेजिस्लेचर को अलग बनाया गया, गया तब से जो लेजिस्लेटिव काउंसिल चैंबर्स हुआ करते थे वो किसी एक ऑफिस के अंदर रह के काम करते थे बिकॉज उनका स्ट्रेंथ बहुत कम था उनका सिग्निफिकेंस बहुत कम था बिकॉज सब कुछ डोमिनेट कौन करते थे गवर्नर जनरल और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लोग लेकिन जैसे जैसे इंडियंस और ब्रिटिशर्स इंडियंस नेशनल मूवमेंट की वजह से ब्रिटिशर्स को कंसेशन देना पड़ा और लेजिस्लेचर को स्ट्रेंदन किया गया वैसे ही जरूरत पड़ी कि हमें अपना एक इंडिपेंडेंट लेजिस्लेचर चाहिए होगा लेकिन अभी तक इंडिपेंडेंट लेजिस्लेचर की बात नहीं हो रही है रैदर द लेजिस्लेटिव काउंसिल चेंबर विच वॉज अ स्मॉल बॉडी रिस्पॉन्सिबल टू मेक लॉ फॉर द ब्रिटिश इंडिया वॉज वर्किंग एज अ ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट हाउस दैट इज द प्रेसिडेंट्स हाउस और द गवर्नर जनरल हाउस लेकिन अब आता है आपके पास सिग्निफिकेंट ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर पहली बार बात किया जाता है बाई कैमरिज्म के ऊपर दैट दैट इज इज अ अ लेजिस्लेचर विद मेंबर काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा एंड डायरेक्टली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली विद स्ट्रेंथ ऑफ वन फोर्टी में एक बड़ा बॉडी बना पहले बीस तीस हुआ करते थे अब लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर कितने हो गए वन मेंबर्स अब ये मुश्किल है अब ये मुश्किल हो गया प्लानर्स के लिए कि यार 140 लोग को हम कहां पे कहा छोटे मोटे ऑफिस में जोड़ देंगे पहले तो क्या था प्रेसिडेंट का घर था गवर्नर जनरल का घर था उसी के अंदर एक कमरा दे दिए कि लॉ बनाओ बट नाउ दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द स्ट्रेंथ हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली तो यहां पे इट प्रेजेंटेड द प्लानर्स ऑफ दिल्ली विद द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग अ अटेबल बिल्डिंग वेर द बाई कैमरल लेजिस्लेचर कुल होल्ड इट्स डेलीब्रेज अब पहली बार जरूरत पड़ी

द न्यू बिल्डिंग विच इज द काउंसिल हाउस कोरिजिनेट हुआ काउंसिल एंड द काउंसिल ऑफ प्रिंस जो उस समय करते थे जो ब्रिटिश इंडिया के बाहर काम करते तो अब ये बेकर के रे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया कि यार अब क्योंकि ये बॉडीज बड़े हो गए हैं बाई कैमरा लेजिस्लेचर आ गया है दो दो हाउस हो गए हैं अब इनको टेम्प्री बेसिस पे अकोमोडेट नहीं कर सकते हैं तो प्लीज आपको एक नया इंस्टीट्यूशन का गठन करें

पार्लियामेंट को बनाने की बात चल रही थी वो ट्रायंगुलर शेप का था और ये किसने किया था? बेकर ने। साथ ही साथ समय वहां पे प्लॉट अवेलेबल था उन दोनों के हिसाब से बेकर को लगा कि फीजेबल यही है ट्रायंगुलर बिल्डिंग देना और ये देखो इस तरीके से बेकर ने इनिशियल अपना ड्राफ्ट भेजा था इस तरीके से हम इसको बना सकते सेंट्रल हॉल होगा

we have to remember that Baker and Lutyens, who were both the chief architects of this particular Central Delhi, did not have that consensus on which kind of plan we should go with. We should go either with triangular or whether we should go with circular. The triangular was recommended by Baker, and the circular was recommended by the Lutyens. And finally, Lutyens was able to convince the Britishers, the British government, the British Parliament, that yes, circular is the best fit model to go with, and hence the circular method was adopted.

लेकिन आपको पता है ब्रिटिशर्स समर कैपिटल बनाया जा रहा था काउंसिल हाउस जहां चेंबर्स होंगे वो बनाया जा रहा था विच और वो छोटा था बिकॉज वहां पर कम ही देर के लोग लो बैठेंगे और वो फाइनली ये है और ये हिमाचल प्रदेश का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है जो पहले ब्रिटिशर्स के समय कैपिटल के समय इट यूज टू एक्ट एज द काउंसिल हाउस कंस्ट्रक्शन बेसिकली स्टार्ट होता है 1921 में और साल में इसको अच्छे से है 2500 लगभग एक समय इतने पीक पे बिकॉज बहुत तेज रेट से काम करता है पच्चीस सौ स्टोन कटर्स एंड वर एम्प्लॉयड जस्ट टू शेप द स्टोन एंड मार्बल्स और लगभग टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना बताया जा रहा है एटी लाख विथ ब्रिटिश रेजीम कमिंग टू एंड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टूक ओवर द बिल्डिंग फिर फाइनली जब ब्रिटिशर्स जाने लगे तो द कॉन्टिट्यूट असेंबली विच वॉज मेड टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सॉब इंडिपेंडेंट इंडिया इट बिकेम द लोकेशन ऑफ आवर प्रेजेंट डे इंडियन पार्लियामेंट तो ये आपको पूरा इतिहास समझना पड़ेगा कि ब्रिटिशर्स कैसे लॉ बनाते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के समय फिर 1833 एक्ट में पहली बार लेजिस्लेचर और एग्जेक्यूटिव का सेपरेशन हुआ उसके बाद एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव बॉडी बनाया गया वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव बॉडी था उसके बाद 1911 में और क्या हुआ हमारे पास जो पार जो सीट है ब्रिटिश इंडिया का वो कैलकाटा से दिल्ली शिफ्ट किया जाता है और दिल्ली जब शिफ्ट करते हैं तो दिल्ली को प्लान करने के लिए किसको भेजा जाता है लुटियंस और बेकर को. और क्या करने के लिए भेजा जाता है उनको राष्ट्रपति भवन बनाना है जहां पे गवर्नर जनरल बैठेंगे और नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक जो कि सेक्रेटेरिएट है सरकार का वो बनाना मतलब उस समय उनके पास ये रिस्पॉसिबिलिटी नहीं था पार्लियामेंट बिकॉज पार्लियामेंट की कोई जरूरत नहीं थी बिकॉज उस समय जो लेजिस्लेटिव काउंसिल चेंबर हुआ करता था वो गवर्नर जनरल के घर के अंदर राष्ट्रपति भवन के अंदर ही बैठ के वो काम कर लेता था बिकॉज ऑफ अ स्मॉल बॉडी But finally, in government of India at 1919, when bicameral legislature was made, legislative council was expanded. Now, the that we need an independent body banana padega because it is not possible to uh, accommodate these many of legislatures in a one tiny room. And from here, our new parliament But again, there was a dispute about the shape: ki triangular or circular. But finally, with the convincing logic of the Lutians, the circular shape was adopted, and hence we went ahead with that.

तो इसीलिए क्योंकि ये न्यूज में है तो यहां से क्वेश्चन आपका प्रोबेबल है कोई भी एग्जाम तो यहां से क्वेश्चन आपका आ सकता है इसीलिए मेरा कॉन्टेक्ट था कि ये सब चीजें बताना आपको ये के पर्सपेक्टिव से जरूरत नहीं है बट हाँ जनरल अवेयरनेस के लिए और साथ ही साथ एग्जाम में यहां से से पॉइंट ऑफ व्यू आपका क्वेश्चन तो ये आपको यहां पे याद रख और ये देखो जो हमारा करंट डे पार्लियामेंट है ये देख सकते हो हमारा रायसीना हिल्स है ये ठीक है ये हमारा कर्तव्य पाथ है कि कर्तव्य पाथ देखो ये हमारा कर्तव्य पाथ है जो एक एंड पे हमारा इंडिया गेट आता है और दूसरे एंड पे हमारा क्या आता है हमारा आपका राष्ट्रपति भवन ये देखो राष्ट्रपति भवन है जो कि पहले हमारा गवर्नमेंट हाउस हुआ करता था इसी के अंदर पहले हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल भी काम कर लिया करता था और ये हमारा नॉर्थ ब्लॉक है और ये हमारा साउथ ब्लॉक है जो कि सेक्रेटेरिएट है यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज बैठते हैं साउथ ब्लॉक में जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बैठता है नॉर्थ ब्लॉक में आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बैठता है ठीक है और ये देखो हमारे पास ये है आपका पार्लियामेंट ये देख रहे हो गोल सा पार्लियामेंट जो हमें दिख रहा है ये ये देखो ये गोल ये तो नया पार्लियामेंट है आपका ये गोल सा पार्लियामेंट पुराना वाला पार्लियामेंट है और ये राष्ट्रपति भवन है आपका और ये नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक मतलब सारा कुछ आपको सेंट्रल इसी को हम लो लोग सेंट्रल विस्टा कहते हैं ये पुराना वाला सेंट्रल विस्टा है आज इसी को सरकार एक न्यू सेंट्रल विस्टा बनाना चाह रही है ये देख सकते हो आप ठीक है ना ये हमारा हो गया राष्ट्रपति भवन ये हमारा कर्तव्य ये रायसीना हिल्स वो हमारा कर्तव्य कर्तव्यपाथ और ये हमारा नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक यहाँ पे हमारा आप देख रहे हो ये पूरा इंडिया गेट और ये पूरा आपके पास क्या है वो कर्तव्य कर्तव्यपाथ है और इधर से हमारा रायसीना हिल स्टार्ट हो जाता है और ये हमारे देखो ओल्ड पार्लियामेंट ये न्यू पार्लियामेंट और उधर आपका राष्ट्रपति अब ये ओल्ड सेंट्रल विस्टा प्लान था अब सरकार क्या लाई है न्यू सेंट्रल विस्टा प्लान और न्यू सेंट्रल विस्टा प्लान को बेसिकली कंसीव कब किया गया था 2019 सितंबर में दैट इज बिफोर द पैंडमिक

बिल्डिंग्स uh, आपके बनाए जा रहे हैं तो पहला हमारे पास लेजिस्लेटिव एनक्लेव जो लेजिस्लेटिव बॉडी जो हमारा पार्लियामेंट यहीं पे आएगा न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग ये देखो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग चेंबर्स फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लाइब्रेरी एंड रेट्रोफिटिंग एंड रिफर्बिशिंग ऑफ द रिफरबेश पार्लियामेंट बिल्डिंग दिस इज द दिसजिटिंग पार्लियामेंट बिल्डिंग एंड दिस इज द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग तो ये पहला है आपका पहला कंपोनेंट है न्यू सेंट्रल वीस्टा प्लान का जिसमें पहला प्लान क्या है लेजिस्लेटिव एनक्लेव मतलब ये पूरा लेजिस्लेटिव एनक्लेव है जहां पे आपको लॉ बनाया जाएगा सेकंड रीडेवलपमेंट ऑफ कर्तव्य पाथ ये देखो कर्तव्य पाथ को रीडेवलप बनाया जाएगा और ये देख लो ये सब आपका जो है ये हमारा कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है तो पहले क्या था ना कि बहुत सारे मिनिस्ट्रीज का सेक्रेटेरिएट सेंट्रल वीस्टा के अंदर आ जाता था

उसका तो कुछ काम रहेगा नहीं बिकॉज नया सेक्रेटेरिएट बन ही रहा है तो उसको हम लोग म्यूजियम के तरफ कन्वर्ट कर देंगे सो तो वो नेशनल म्यूजियम बनेगा फाइनली फिर हमारे पास नेशनल आर्काइव जहाँ पे हम लोग जितने भी पुराने चीजें हैं उसको स्टोर करते हैं वो नेशनल आर्काइव बनाया जाएगा ये देखो वाइस प्रेसिडेंट का हाउस ये देखो न्यू पार्लियामेंट ये देखो ओल्ड पार्लियामेंट और ये देखो हमारा क्या है आपका नेशनल आर्काइव ये हमारा कर्तव्य पाथ को भी रीडेवलप किया जाएगा और ये देखो हमारे पास नया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और ये देखो प्राइम मिनिस्टर्स का रेसिडेंस तो ये भाई सही है ये जरूरत था बनाने का इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सेंट्रल बीसटा प्लान बनाना जरूरत था बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है और वो उस समय के हिसाब से बनाया गया था आज इंडिया इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग ऑल टूगेदर द लार्जेस्ट पॉपुलर्स वी हैव हैव्यूज ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी वी नीड टू एंश्योर कन्वर्जेंस बिटवीन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज वी नीड टू एंश्योर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड हैंड वी नीडेड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स

And a hall, जहाँ पे joint कुछ ऐसा और भी छोटा मोटा फंक्शन होता था अ मैक्सिम फोर थर्टी सिक्स परसेंट लोकसभा देख लो कितना 5, जो भी भी है लेकिन क्या आपको पता है, कि हमारे जो का जो है उसको निकालने सेन का डेटा यूज करते हैं है, है? और इस पॉपुलेशन के फिगर को हम लोग को चेंज कब करना है दो हजार इकतीस के में हमें बैठाएंगे नए लोकसभा क्योंकि आपको पता है कि जैसे जो पहले थे, वो कहते थे कि इंडिया में लोकसभा में हजार में खुद सोचो एक सौ चालीस करोड़ की आबादी है और एमपी कितने केवल पांच सौ पचास मैक्सिमम तो लोकसभा का स्टीप बढ़ाने की जरूरत है लेकिन बढ़ाएंगे कैसे अगर पार्लियामेंट ही नहीं है उतना स्ट्रांग तो पार्लियामेंट में तो जगह ही नहीं है इसलिए ये बहुत वैलिड पॉइंट था कि नया पार्लियामेंट बनाने का जरूरत था और हम लोग वेट नहीं कर सकते हैं कि 2031 में सेंसस होगा उसका डेटा लेंगे फिर बनाना शुरू करेंगे नहीं तो ये एक अच्छा आउटकम है इसको पहले ही हम ठीक क्यों न कर दें साथ ही साथ जो मिनिस्टर्स का ऑफिस था वो भी काफी पुराने कंडीशन में हुआ करता था तो ऑफिस फॉर द मिनिस्टर्स एंड फैसिलिटीज सच एस मीटिंग रूम डाइनिंग फैसिलिटीज प्रेस रूम एक्सेट्रा वर इन दे एडिकुटर्ड मेकशिफ्ट अरेन्जमेंट ठीक है तो अगेन बिकॉज इंडिया जब आप विश्व गुरु बनने वाला है इंडिया इज गोइंग टू एंटर इट्स अमृतकाल इंडिया इज एस्पायरिंग टू बिकम अ ग्लोबल सुपर पावर We cannot continue without all those kind of outdated infrastructure. We need to have such kind of modern day minister ministers' room, modern day parliament, to ensure that we are able to make law in the, in the best possible manner. Third, technological advancements. is language translation iPad so that MPs can do that. We chat GPT. If a particular MP wants to know or understand a particular thing, so that that person can.

जो कि अगेन बेकर का रिकमेंडेड था ठीक है सो ये भी याद रखना कि इट इनिशियली ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि इनिशियली द सेंट्रल वीस्टा प्लान जिसमें पार्लियामेंट बनाया जा रहा था द ट्राइंगुलर डिजाइन वॉज रिकमेंडेडेड ये आप यहाँ पे हो. फिर साथ साथ बिल्डिंग का इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एयर कंडीशनिंग लाइटनिंग ऑडियो विजुअल एक्स्टिक पब्लिक एड्रेस सिस्टम एंड सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली आउट ऑफ डेट नहीं बात है यार आपको पता है पार्लियामेंट के ऊपर अटैक भी हो चुका है ठीक है तो इन सारी चीजों से पार्लियामेंट को हमें वापस एक कंप्लीट रिस्ट्रक्चरिंग करने की जरूरत थी इट लैक्स प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड ड्रॉइंग्स टू स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ क्योंकि इतना पुराना स्ट्रक्चर इसको बनाया गया है तो आज कितना स्ट्रेंथ है उस समय स्ट्रेंथ सौ होगा आज घट के हो सकता है उसका स्ट्रेंथ पचास हो कल को अर्थ को बिल्डिंग ही गिर जाए और इसको स्ट्रेंथ को एस्टिमेट करने के लिए हमें ड्रॉइंग्स चाहिए हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो कि हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है तो अगर अवेलेबल ही नहीं है तो हम एग्जैक्टली exactly क्या पता कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पार्लियामेंट बिल्डिंग का क्या स्ट्रेंथ है कैसे हम चेक कर सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर बिल्डिंग विल बी एबल टू रेसिस्ट अर्थक्वेक और नॉट ठीक है तो इसीलिए हमारे पास एक नया बिल्डिंग बनाने की जरूरत फायर सेफ्टी इज अ मेजर कंसर्न ठीक है अर्थक्वेक रेसिस्टेंट है कि नहीं है तो ये सारे चीजें लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जरूरत चीज है ये ये है कि लोकसभा का जो मैक्सिमम सीट का स्ट्रेंथ है वो 552 है लेकिन आपको ऑलरेडी पता है आपको ऑलरेडी पता है ये बात कि हमारा जो लोकसभा का सीट है वो काफी कम है जितना होना चाहिए बिकॉज आपको पता है कि हमारे लोकसभा के जो सीट्स है ठीक है जैसे लोकसभा का सीट कैसे निकालते हैं हम लोग पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एम है ना इसको ऑल ओवर इंडिया इस चीज को कॉन्सेंट होना चाहिए तो जो यहाँ पे पॉपुलेशन हम लोग यूज करते हैं ये कौन सा पॉपुलेशन है 1971 सेंसस वाला और ये क्यों 1971 सेंसस वाला इसको अपडेट क्यों नहीं करते हैं टू एंश्योर टू एंश्योर पॉपुलेशन कंट्रोल टू एंश्योर पॉपुलेशन कंट्रोल टू एंश्योर दैट टू एंश्योर दैट दो स्टेट्स विच हैज टन पॉपुलेशन कंट्रोल आर नॉट डिस ठीक है तो इसीलिए ये हम लोग पॉलिटी वाले पेपर में पढ़ते भी हैं कि क्यों ये पॉपुलेशन को हम लोग 84th फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2001 के अंदर इसको पॉपुलेशन को फ्रीज कर दिए थे और कहे थे ये पॉपुलेशन कब चेंज होगा इधर दिस पॉपुलेशन विल चेंज आफ्टर 2026? जो भी पहला सेंसस होगा 2026 के बाद और 2026 के बाद सबसे पहला सेंसस तो इसके पॉपुलेशन डेटा को हम लोग अपडेट करेंगे तो सबसे था, है, लोग के अभी में आपके बढ़ेंगे for... उसके बाद व्हाट अबाउट द ओल्ड पार्लियामेंट क्या ओल्ड पार्लियामेंट को बंद कर दिया जाएगा या तोड़ दिया जाएगा नहीं तो ओल्ड पार्लियामेंट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ म्यूजियम ऑफ डेमोक्रेसी देखना पड़ेगा उसमें कैसे म्यूजियम ऑफ डेमोक्रेसी है क्या क्या उसमें आता है बट द ओल्ड पार्लियामेंट विल बी नॉट डेमोलिश इट विल बी कन्वर्टेड इन टू द म्यूजियम ऑफ अब न्यू पार्लियामेंट के फीचर्स क्या है देख सकते हो आप बिल्टअअप एरिया पैंसठ हजार स्क्वायर किलोमीटर का है ठीक है लोकसभा का मैक्सिमम कैपेसिटी देखो 888 सीट्स है जो कि 552 से बढ़ गया राज्यसभा जो 250 है उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया 384 तो इस तरीके से देख सकते हैं कि स्ट्रेंथ जो है एमपी का वो बढ़ने वाला है लोकसभा का जो थीम है वो है आपका पीकॉक थीम जो कि इंडिया का नेशनल बर्ड है और राज्यसभा का थीम क्या है लोटस जो कि इंडिया का नेशनल फ्लावर है ठीक है तो देख लो कि इंडिया का कल्चर इंडिया का हेरिटेज ऐसा नहीं कि ये जो पूरा पर्टिकुलर नया पार्लियामेंट इज बेस्ड ऑन द वेस्टर्न आइडियोलॉजी और द वेस्टर्न आर्किटेक्चर नो इट रिप्रेजेंट द इंडियन वैल्यू सिस्टम ऑल्सो

ठीक ठीक है है ये देख सकते हो हमारा आपका राज्यसभा सारा अलग, -अलग ही साथ न्यू पार्लियामेंट का फीचर क्या हॉल भीम रेटेड ग्रीन बिल्डिंग जिसको तो ग्रीन बिल्डिंग का स्टेटस भी मिल गया वो भी प्लेटिनम स्टेटस तो ये जो पूरा पार्लियामेंट है दैट शोज इंडिया कमिटमेंट टू ग्लोबल वार्मिंग इंडिया कमिटमेंट टू वर्ड कंजर्वेशन

ये कमेटी कितने अच्छे से काम करते हैं एंड दिस कमिटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया डज नॉट कोलैप्स द पार्लियामेंट वर्क और आज लेकिन जो कमेटी का स्टेटस है वो बहुत खराब है उनके पास अपना खुद का जगह नहीं है उनके पास बजटरी सपोर्ट नहीं है उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है इसलिए नए नए लार्ज लार्ज कमिटी रूम्स बनाए जाएंगे सो दैट द प्रोडक्टिविटी ऑफ पार्लियामेंट फर्दर ये कुछ हमारे पास फीचर्स हैं आपके पास हमारे पार्लियामेंट के ठीक है ये देख सकते हो आप ट्राइंगुलर शेप है

तो मठ होते हैं ऑफ तमिलनाडु इन्होंने हैंड किया था आपको नेहरू को टू सिंबलाइज ट्रांसफर ऑफ पावर तो इसका बेसिकली कहानी क्या है इसका कहानी देखो ये है कि जब ब्रिटिशर्स जा रहे थे माउंट बैटन तो उन्होंने कहा कि हम तो अब जा रहे हैं लेकिन जा रहे हैं तो कुछ ऐसा चीज बताओ जिस जिस चीज से हम लोग जिस जो हम हम लोग जाने की चीज को मार्क कर सके मतलब इसको कैसे हम लोग याद करेंगे हम तो जा रहे हैं बट इस इवेंट को कैसे हम लोग यू नो इम्पोर्टेंट दे सके इस, इस इवेंट को किस तरीके से हम किसी एक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके कैसे हम इस चीज़ को याद रखेंगे तो फिर नेहरू ने सी राजा गोपाचार्य से पहुंचा पूछा जो कि लास्ट गवर्नर जनरल भी थे तो सी राजा गोपालाचार्य ने कहा कि जिस तरीके से आ, यू नो चोला लोग फॉलो करते थे उसी चीज़ को हम लोग कैरी ऑन करते हैं और वहीं से कॉन्सेप्ट आया था कि सेंगोल का हैंड एक तरीके से सिम्बॉलिक इवेंट बनाया जा सके जो कि ये बताए कि ब्रिटिशेज अब छोड़ के जा रहे हैं एंड द ट्रांसफर ऑफ पावर इज टेकिंग फ्रॉम द ब्रिटिश इंडिया टू द इंडिया तो इस चीज़ को सिम्बॉलिक uh, बनाने के लिए बेसिकली ये चीज़ आपका क्या इट और जब ये हैंड कर दिया गया था तो इसको कहाँ पे रखा गया था आपको नेहरू गैलरी ऑफ द अलाहाबाद अब इसको वहां से लाया जा रहा है तो अब देखो कौन द हेड प्रीस ऑफ मधुरई अधिनम मट जो हेड प्रीस है मधुरई अधिनम का अधीनम बेसिकली जो इम्पोर्टेंट स्पिरिचुअल गुरुज होते हैं ऑफ द शावाइट सेट शिवा शेवाइज्म और वैश्विजम आपको पता है एक शिवा और एक विष्णु तो शाविज्म सेट के बहुत इंपॉर्टेंट जो मट्स होते हैं उसके जो स्पिरिचुअल गुरु होते हैं उनको अधीनम कहते हैं

उसके जो लीडर हैं वो हमारे पास इस पर्टिकुलर सेंगोॉल को प्राइम मिनिस्टर मोदी को हैंड करेंगे जब ये इलाहाबाद म्यूजियम से लाया ये देख सकते हो फोकर ये बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रिलीजियस लीडर्स हैं जो कि दुनिया के हर कोने से आए हैं एंड ये देखो प्राइम मिनिस्टर मोदी स्कैनिंग द सेंगोल इन हिज हैंड विच बेसिकली रिप्रेजेंट्स ट्रांसफर ऑफ पावर तो ये देखो सेंगोल का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से ये देखते हैं थो. तो तमिल किंग्स यूटिलाइज दी स्प्ट्रिस्ट दैट इज द सिम्बॉलिक ऑब्जेक्ट्स As symbols of 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 justice and good governance, the tradition of the 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 tradition can be traced back to to time of the Chola dynasty in Tamil Nadu, representing the orderly transition of power from one monarch to the next. अच्छे से चलाओगे गुड गवर्नेंस एंश्योर करोगे तो ये चोला डायनेस्टी के समय से The one accorded the Sengal is expected to impart a just and impartial rule. तो जिसको ये Sengal दिया जाता है, जब power का transfer किया जाता है, handover किया जाता है, so it is expected that the person who is going to take the Sengal it delivers a just and an impartial rule. और इसका in fact Tamil के बहुत सारे books में discuss है, again important from your prelims perspective, Tamil literary work Thirukural and Tamil epic Sila Pratikaram, उन दोनों में इन चीजों के बारे में mention है, उन दोनों के बारे में इन चीज ंगॉल so, के ऊपर आप आर्ट एंड कल्चर वाले पेपर में या इन जनरल आप कहीं पे भी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एक्सेप्ट कर सकते ठीक है तो ये आपको सेंगोल को देना पड़ेगा तमिल वर्ड से राइटियसनेस इसको दिया किसने है बेसिकली uh, सबसे पहली बार नेहरू को दिया गया था किसने दिया गया था अधिनम मट ऑफ तमिलनाडु उन्होंने इनको हैंड किया था उसका सिम्बॉलिक पर्पज क्या था टू शो दैट येस देर अ ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश टू इंडिया पीपल क्योंकि चोला के समय यही करते थे वेन वन रूलर गो द अदर रूलर कम तो जो पुराना रूलर था वो नए रूलर को ये देता था सेंगोल कि ये लो और अब आप जस्टिस के साथ गुड गवर्नेंस गुड़ गुड़ के साथ इस पूरे देश को इस पूरे राज्य को चलाओ राइट होके तो इस तरीके से उसको सिम्बॉलिज्म दिया जाता

तो ये पूरा था आपका थ्योरी फाइनली हम लोग बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के इनोग्रल स्पीच के बारे में कि प्राइम मिनिस्टर मोदी बेसिकली इस पार्लियामेंट का उद्घाटन करते हुए क्या बोले तो देखो क्या कहते हैं इट्स नॉट अ बिल्डिंग इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द एस्पिश एंड ड्रीम्स ऑफ वन करोड़ इंडियन एक करोड़ इंडियंस के वॉइस को हमारा पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करता है दिस इज द टेम्पल ऑफ अर डेमोक्रेसी बी गिविंग द मैसेज ऑफ determination टू द वर्ल्ड

To ensure that the aspirations of people are fulfilled is like near democracy will act as a means. And what is the end? To make people of India a better, a prosperous, and a healthy citizens. Okay? Uske baad casting a new India that has left behind a slave mentality and was moving forward. Now will not be the rule takers. In fact, we we'll will make the rules for the world. And this India, India's G20 presidency. SEO presidency, mein, India has actively participated in all the things. And India Nekah. You will make rule for ourselves, for ours. Rather, we will make rule for the world. And that's why India not only speaking for them, India is not only speaking for itself, rather, India is speaking for the countries of the global south. To represent their aspirations on the global stage. The new parliament house will witness the rise of Atmanirbhar Nirbar Bharat, a self-reliant India, a confident India. उन सब चीजों के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि पार्लियामेंट का होना अच्छे से काम करना ये बहुत ज्यादा सर लेकिन ऑपोजिशन ने इस पर्टिकुलर चीज को बॉयकऑट कर दिया कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि पार्लियामेंट इज द वॉइस ऑफ पीपल द प्राइम मिनिस्टर इज ट्रीटिंग द इनोग्रेशन द पार्लियामेंट और एज अ नेशन क्या इनका सिंपल कहना है कि प्रेसिडेंट हु इज द हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द स्टेट तो ये तो इनग्रेशन प्रेसिडेंट को करना चाहिए था ना कि प्राइम मिनिस्टर को और कुछ हद तक ये क्रिटिसिज्म सही भी माना जाता है बिकॉज जनरली एग्जीक्यूटिव जो है जितने भी कामें होते हैं सारे प्रेसिडेंट के बिहाफ पे किया जाता है तो वाई वॉज प्रेसिडेंट कम्प्लीटली बॉयकॉटेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इवेंट बिकॉज प्रेसिडेंट परसन इज अ न्यूट्रल पर्सन अनलाइक द प्राइम मिनिस्टर बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर पार्टी एंड प्रेसिडेंट बिलोंग्स टू द एंटायर कंट्री इन दैट सेंस ये कह रहे राहुल गांधी जी की प्राइम मिनिस्टर अपने वाहवाही के लिए ये सब चीजें कर रहे हैं अब वो आपके ऊपर है आप ये डिसाइड करो कितने हद तक है

अब देखा जाए तो ये भी सब कुछ हद तक सही माना जा सकता है बिकॉज जिस तरीके से सेंगोल को अचानक उठा के ले आया गया पिक्चर में और केवल उसी पे फोकस कर दिया गया सेंगोल 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 तो ये क्या कहना चाह रहे हो कौन सा ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है आर ट्राइंग टू शो सिमिलरली जयराम रमेश कहते हैं कि दर नो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अबाउट सेंगोल यूज इज द ट्रांसफर ऑफ पावर ये कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है ना ही लॉर्ड माउंटमेंटन ना ही राजगोपालाचारी ना ही नेहरू किसी के बीच में डिस्कशन ही होता है कि सेंगोल बेसिकली जो देना था इट मार्क द सिंबॉलिक ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं ये कहीं कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है। तो जिस तरीके से इनका कहना है कि जो गवर्नमेंट इसको ट्रांसफर ऑफ पावर के थ्रू कह रही है और इसका मतलब बताना चाह रही है कि आज इंडिया में ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है फ्रॉम अ स्लेव गवर्नमेंट फ्रॉम अ ओल्ड गवर्नमेंट टू अ न्यू गवर्नमेंट अ कॉन्फिडेंट गवर्नमेंट अ प्रॉस्पेरस गवर्नमेंट अ गवर्नमेंट विच टेक्स फॉर इंडियन

एस्पिर ऑफ लोग को बेटर तरीके से पार्लियामेंट में रखा जाए उसके लिए नए टेक्नोलॉजी एंड अदर थिंग्स लाना जरूरी था पार्लियामेंट का स्ट्रेंथ बढ़ाना था बट क्या ये सब चीज़ से कुछ फायदा होगा जब हमारा आज का एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट हेज कम टू अ कंप्लीट शटडाउन जब आज का हमारा करेंट पार्लियामेंट इज नॉट एबल टू डेलीबरेट ऑन इशूज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जब आज का हमारा करेंट पार्लियामेंट जहाँ पे मोस्ट ऑफ द एम आर एबसेंट आज का जहाँ पे हमारा करेंट पार्लियामेंट

हमें नए पार्लियामेंट का सोचना चाहिए कि हमें पहला यह काम होना चाहिए कि हम आज अपने एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट और उसके जितने भी मेबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनमें एक मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट को इंश्योर कर सके सो दैट द कर करेंट पार्लियामेंट इंक्रीज ऑन इट्स प्रोडक्टिविटी दैट्स द सेंट्रल क्वेश्चन इज ऑल अबाउट दैट डू वी नीड अ न्यू पार्लियामेंट अंटिल अनलेस वी डोंट रिफॉर्म द एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट बिकॉज आप पार्लियामेंट तो बना दोगे आप बड़े घर बना दोगे बट आपके घर में सुखी नहीं है शांति नहीं तो घर बनाने का फायदा क्या एंड द सेम लॉजिक अपलाइज टू द न्यू पार्लियामेंट

क्वालिटी ऑफ डिबेट डिस्कशन डेलीबरेशन थ्री डीज ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ द पार्लियामेंट तो सेंट्रल क्वेश्चन क्या हम देखो लास्ट दस ईयर में पार्लियामेंट केवल 67 डेज पर ईयर मिल रहा है 140 करोड़ की आबादी 70 दिन खाली मिल रहे हो तुम उसमें 70 दिन में मिलने पर कितना तो एड हो जाता है सेशन और पहले देखो लगभग एक दिन के लिए मिलना करते थे उन्नीस में और आज केवल हम लोग आधा 67 डेज मिलते हैं हर साल उसमें भी मैक्सिम सेशन आपको अनप्रोडक्टिव जाता है सरकार लाती है बिल पास हो जाता है दो दिन में तो जब तक पार्लियामेंट में आप डिबेट नहीं करोगे आप डिस्कशन नहीं करोगे तब फॉर्मिल पार्ले क्या पार्लियामेंट का जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर बिल ला तो दो घंटे में पास हो जाता है तीन फार्म बिल्स आए तुरंत पास हो गया फिर वापस लेना पड़ा तो क्या पार्लियामेंट का रोल नहीं है कि डिस्कशन करके बिल को लाया जाए तो हमें इन चीजों के ऊपर बात करना पड़ेगा एंड द प्रॉब्लम विद द मीडिया एंड द द प्रॉब्लम विद करेंट डिस्कोर्स इज दैट वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट सिंब एंड दैट्स द फॉल्ट ऑफ बोथ गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन बिकॉज ऑपोजिशन ने तो बॉयकआउट कर दिया बट क्या बॉयकआउट करने से पार्लियामेंट रिफॉर्म हो जाएगा नहीं हैव टू टॉक पार्लियामेंट ऑपोजिशन का काम है कि इन मुद्दों के ऊपर बात करें द प्रॉब इज दट दार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया गवर्नमेंट इज येस एंडोजिशन गोज ऑन शाउटिंग नो 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 एंड बोथ आर लॉक्ट इन देर ओन इको चेंबर्स एंड देर इज नो मेडिएटरिटेट द टॉक्स बिटवीन दीज टू चेंबर्स एंड स्पॉट हम्परिंग डेमोक्रेसी दैट स्पॉट इज हेम्परिंग ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया And for India to really become a Vishwaguru, we need to focus on our fundamentals. And the most fundamental is that we have to reform the working of parliament, not the parliament itself. Disruptions, no crore per day, poor attendance of MP, 43%, bypass of Rajya Sabha, departmental standing committees. So, what needs to be done is that yes, the parliament was needed, but more what is needed is moral code of conduct, women representation, closing the binary chambers, yes versus no, budgetary support, strengthening the committees to ensure collective responsibility. तो ये सब चीजों की हमारे पास बहुत ज्यादा जरूरत है एंड फाइनली यू कैन कनेक्ट विथ मी यू कैन मेल टू मी एनी योर क्योरी अगर आप कोई आंसर लिखते हो तो आप उनमें से चेक भी करवा सकते हो आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू फॉर ऑल योर हेल्प आपको हो सकता है ये लेक्चर्स काफी बड़े लगते हो बट माई टास्क इज दैट यू शुड बिकम वेरी मच ऑफ इंफॉर्मेटिव एंड डोंट बी हरी टू गेट इन्फॉर्मेशन बिकॉज आप देख लो जिस तरीके से एग्जाम के पैटर्न चेंज हो रहे हैं इस साल का प्रिलियम्स का पेपर देख लो अब मोस्टली मुझे लगता है मेन्स के पेपर में भी काफ़ी ज़्यादा पैटर्न चेंज के एक्सपेक्टेशन हैं तो जब तक आपके पास एक अच्छा इन्फॉर्मेटिव बैकग्राउंड होलिस्टिक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा उस टॉपिक पे तब अब आपका एग्जाम नहीं निकलेगा सो डोंट ट्राई टू बी हरी बी पेशेंस इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग आई विल अगेन सी यू इन द नेक्स्ट पर्टिकुलर सेशन प्लीज लाइक द वीडियो सब्सक्राइब द चैनल एंड टेक केयर ये यू थैंक यू Don't forget to like, share, and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.